प्यारे बच्चों, जय हिंद। अर्थशास्त्र गुरु जी की कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आपके प्लस वन इकोनॉमिक्स के पहले भाग से पांचवें चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, तो 5.3 बच्चों इसका नंबर रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ टेबल सारणी की। ये हमने कल भी समझा था कि सारणी मुख्यतः हम तीन तरह से पढ़ेंगे। सारणी के मुख्य तीन भाग हम समझने वाले हैं। पहली प्रकार की सारणी होती है हमारी कॉन पर्पज अर्थात उद्देश्य के अनुसार। दूसरी तरह की सारणी हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनेलिटी अर्थात मौलिकता के अनुसार सारणी। तीसरी तरह की सारणी होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट के अनुसार सारणी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारी अकॉर्डिंग टू पर्पज है उद्देश्य अनुसार सारणी, ये भी बच्चों होती है दो तरह की। एक हमारी पहली कौन सी जनरल पर्पज टेबल अर्थात सामान्य उद्देश्यों वाली सारणी, और दूसरी तरह की सारणी बच्चों होती है कौन सी स्पेशल पर्पज टेबल अर्थात विशेष उद्देश्य वाली सारणी। ठीक है, दो तरह के उद्देश्य हुए हमारे, पहला सामान्य और दूसरा विशेष। उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू ओरिजिनेलिटी हमारी जो मौलिकता के अनुसार है वो भी सारणी दो तरह की होती है बच्चों। पहली हमारी होती है ओरिजिनल टेबल जिसको हम बोलते हैं मौलिक सारणी, और दूसरी तरह का होता है हमारा डेराइव टेबल बोलते हैं व्युत्पन्न सारणी अर्थात। तो ओरिजिनेलिटी के बेस पे भी दो तरह की हुई, पहली ओरिजिनल दूसरी डेराइव। अब तीसरी तरह का जो प्रकार हम आज समझने वाले हैं वो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट के अनुसार सारणी। तो बच्चों ये भी दो तरह की है हमारी, एक हमारी सिंपल और वन वे टेबल हम जिसको कहते हैं अर्थात सरल सारणी, और दूसरी तरह की सारणी हमारी कौन सी होती है वो है कॉम्प्लेक्स टेबल अर्थात जटिल सारणी। दूसरी तरह का टेबल हमारा है कौन सा जटिल। बच्चों ये तो सारे अकॉर्डिंग टू पर्पज भी दो तरह की है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी भी दो तरह की है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन भी दो तरह की है, लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स टेबल हमारा है ये आगे फिर पुनः तीन प्रकार का हम समझते हैं। पहली तरह का क्या डबल और टू वे टेबल, दूसरा तरह का हम बनाते हैं टेबल कौन सा टेरिबल टेबल या त्रिगुणी सारणी, और तीसरी प्रकार है इसकी मैनिफोल्ड टेबल अर्थात बहुगुणी सारणी, द्विगुणी त्रिगुणी और बहुगुणी। ये आगे किसके भाग है हमारी कॉम्प्लेक्स या जटिल सारणी के। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी को, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके बेटा, अब तो क्लियर है ना आवाज? ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जो समझ अकॉर्डिंग टू पर्पज अर्थात उद्देश्यों के अनुसार हमारी जो सारणी है वो दो तरह की होती है, एक हमारे जनरल पर्पज टेबल दूसरी स्पेशल पर्पज टेबल। तो जनरल पर्पज टेबल तो क्या है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका सामान्य पर्पज है, कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। ये सामान्य उद्देश्यों वाली जो सारणी है बच्चों ये आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका एक मात्र उद्देश्य सिंपल तरीके से अनुसंधानकर्ता द्वारा आंकड़ों को प्रेजेंट करना है, हमने किसी के सामने रखना है। जैसे हमारे सेंसिस की जो रिपोर्ट होती है ना जनगणना रिपोर्ट, वो इसमें सबसे बड़ी आ जाती है। इसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, ये हमारा जो जनरल टेबल है ये हमारा रेफरेंस टेबल भी, इनको हम बोलते हैं रेफरेंस टेबल अर्थात संदर्भ सारणी। संदर्भ सारणी किसको कहा जाता है, जनरल टेबल को, क्योंकि साधारण तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। जैसे जनगणना संबंधी आंकड़े हैं वो हर 10 साल बाद पब्लिश होती है, वो उसका काम है, उसमें जो टेबल बनेगा वो सामान्य उद्देश्य है। दूसरी तरह के जो है ये हमारा होता है विशेष उद्देश्य और स्पेशल पर्पज टेबल। स्पेशल पर्पज क्या, जब किसी आप अनुसंधान की दृष्टि से या आपका कोई अध्ययन का विषय है या करनी है, उस उद्देश्य से जब हम कोई टेबल बनाते हैं उसको हम विशेष उद्देश्य वाली सारणी कहते हैं। साधारणतः ये थोड़ा छोटे स्तर की सारणी है, इसमें हम कम आंकड़े लिखते हैं, और इसमें जो बनी हुई सारणी उसको हम समरी सारणी बोलते हैं बच्चों। समरी टेबल का मतलब क्या है, ये हमारा सारांश सारणी होगी। सारांश मीन अपने पूरे पर्पस में से कुछ विशेष पर फोकस करना है, आपका उद्देश्य कुछ बड़ा है लेकिन छोटी सी सारणी संलग्न करना चाहते हैं, कुछ आंकड़े हैं जो उस टॉपिक को आप स्पेशल बताना चाह रहे हैं, इसलिए वो स्पेशल समरी टेबल इसमें जुड़ता है। जबकि जनरल पर्पज वाले क्या बोलते हैं, रेफरेंस टेबल संदर्भ सारणी, जो सामान्यता आपकी बनती है, विशेष उद्देश्य उसका नहीं है, सामान्य रूप। ठीक है बच्चों, पहला था अकॉर्डिंग टू पर्पज, समझ में आ गया, ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये दो लाइन की डेफिनेशन आपने लिख दी, समझो बात समझ में आ गई। ओके बच्चों, यस सर। ठीक है,
बेटा अब हम समझते हैं दूसरा इसका भाग, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनेलिटी, मतलब मौलिकता के अनुसार। तो मौलिकता के अनुसार भी बच्चों ये टेबल हम समझते हैं, एक हमारा ओरिजिनल मतलब मौलिक सारणी, दूसरा है डेराइव टेबल मतलब बोलते हैं व्युत्पन्न सारणी। तो पहला ओरिजिनल क्या हुआ, ओरिजिनल सारणी हम किसको बोलते हैं, मौलिक सारणी बच्चों वो सारणी है जिसमें आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें एकत्र करते हैं। जैसे हमने विद्यार्थियों की संख्या की बोलते हैं, बॉयज 139 है, गर्ल्स 151 है, इस तरह के जिस रूप में आपने एकत्र करे उसी रूप में प्रस्तुत करे, जिस फॉर्म में है, संख्या में है तो संख्या में, कोई स्टाफ कितना है, मेल स्टाफ है फीमेल स्टाफ है, इस तरह के आंकड़े हैं, कौन से स्कूल में क्या स्ट्रेंथ है, इस तरह की जो सारणी है वो हमारी ओरिजिनल होती है मौलिक। क्योंकि जिस फॉर्म में आप आंकड़े एकत्र कर रहे हो उसी फॉर्म में आप उसको प्रस्तुत भी कर रहे हो, प्रेजेंट भी कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ बच्चों जो डिराइव्ड टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न सारणी, ये एक सारणी कैसी होती है जिसमें आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए हम रेशियो मतलब अनुपात का प्रयोग करते हैं या परसेंटेज का प्रयोग करते हैं कि हमने इस परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है। आपने ये अगर आप ये बोलो कि हमारा 10th क्लास का रिजल्ट इतने बच्चे 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे पास हुए, 10 बच्चे फेल हुए, ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म में टेबल प्रस्तुत कर रहे हो ये हमारा है ओरिजिनल टेबल। लेकिन अगर आप इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, परसेंटेज में, आपने कहा कि 80% बच्चे पास हुए, 20% बच्चे फेल हुए, तो ये कौन सी सारणी होगी, डेराइव टेबल मतलब व्युत्पन्न सारणी। आपने उन्हीं आंकड़ों को किस में प्रस्तुत किया, प्रतिशत में या अनुपात में। जैसे मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 में से 5 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज हैं, तो ये है हमारा ओरिजिनल डेटा। अगर मैं इसको परसेंटेज में बताऊं कि गर्ल्स और बॉयज की रेशियो 1:2 है, एक गर्ल्स 2 बॉयज का अनुपात है, तो ये कौन सा टेबल हो जाएगा, डेराइव टेबल मतलब व्युत्पन्न सारणी। आया बच्चों को समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अब तीसरा भाग इसका सारणी का है वो हम समझेंगे, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बनावट के अनुसार, ठीक है बेटा। तो बनावट के अनुसार सारणी कैसी है हमारी, दो तरह की, एक हमारी है सिंपल सरल वन वे और दूसरा कॉम्प्लेक्स या जिसको हम क्या बोलते हैं, जटिल। तो जटिल तो आगे तीन तरह की है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कौन सी, सरल। सरल का मतलब आप क्या समझो, जिसमें आपसे केवल एक इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, साधारण सी इंफॉर्मेशन है वो, सिंपल इंफॉर्मेशन। सिंपल इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे आपसे पूछा गया आप अपने स्कूल की स्ट्रेंथ दीजिए, ठीक है, तो हमने लिख दिया GSS बल्देया, ठीक है, क्लास वाइज स्ट्रेंथ, ठीक है, क्लास वाइज स्ट्रेंथ हम बता रहे हैं। तो क्लास वाइज स्ट्रेंथ हमने क्या लिखा है, यहां पे लिखी क्लास और यहां पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हमने लिखा सिक्स क्लास, सिक्स क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं 34 बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, और सेवंथ क्लास हमने लिखा, सेवंथ में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे, एट्थ में कितने बच्चे हैं, 42 बच्चे, नाइन्थ में कितने हैं, नाइन्थ में 50 बच्चे। ये हमारा कौन सा टेबल हुआ, सिंपल, जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे कि किस क्लास में कितने बच्चे। समझ में आ गया बच्चों ये सरल वाला वन वे टेबल? यस सर। ठीक है बेटा, इसमें आप कुछ नहीं करो, सिर्फ आप संख्या दे रहे हो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्देया में छठी में 34 बच्चे हैं। किसने पता करना होगा कि सिक्स्थ में क्लास में कितनी इनरोलमेंट है, जी 34 बच्चे, यहीं से देख लेगा। नाइन्थ में कितने, जी 50 है, प्लस वन में 65 है, इस तरह की इंफॉर्मेशन। ये हमारा है सिंपल और वन वे टेबल। ठीक है बच्चों, अब बात हम कर रहे हैं दूसरे टेबल की जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब जटिल। जटिल ये इतना जटिल नहीं है जितना इसका नाम जटिल है। जटिल ये अर्थात क्यों है, क्योंकि एक से ज्यादा विशेषता हम बता रहे हैं। मतलब ये जो तीन प्रकार इसके बच्चों है, एक तो है डबल टू वे टेबल, दूसरा थ्री वे टेबल और मैनिफोल्ड मतलब बहुगुणी, जिसमें आप एक के बजाय आप दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। दो तरह की इंफॉर्मेशन क्या, जैसे हमने यही कर दिया GSS बल्देया, ठीक है, हमने बता दिया क्लास वाइज स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, हमने क्लास वाइज स्ट्रेंथ कैसे देनी है, ये हमारी है क्लास, ये हमारे हैं बॉयज और ये हमारी है गर्ल्स। ठीक है, सिक्स क्लास कितने बच्चे हैं, टोटल तो 34 है लेकिन इसमें से 20 बॉयज हैं, 14 गर्ल्स हैं, ठीक है, और ये टोटल हमारा आगे हो गया, जैसे टोटल हमारे 34 है। उसके बाद सेवंथ क्लास में कुल 40 बच्चे हैं, 18 बॉयज हैं, 22 गर्ल्स हैं। एट्थ क्लास में क्या है, एट्थ में भी यही है, एट्थ में 42 बच्चे थे,
इसमें 21 बॉयज 21 गर्ल्स, ठीक है बेटा। तो अब हम कितनी विशेषता इसमें बता रहे हैं, कैसा ये टेबल बन गया, टू वे टेबल। इसमें दो जानकारी है, एक तो कुल स्ट्रेंथ का भी इसमें पता लग रहा है, साथ में क्या है इसमें, साथ में क्या चीज का पता लग रहा है इसमें कि बॉयज कितने गर्ल्स कितने, ठीक है बेटा। यहाँ पे जैसे बॉयज का कॉलम मैंने लिख दिया था, तो ये यहाँ पे 22 और 18 कुल 40, इसको ऐसे को लेते हैं, ठीक है। ये 21 21 ये हमारा 42, ये हमने टोटल का लिया था ना। अर्थात ये दो विशेषताएं बता रहा है कि छठी में बॉयज 20 है, गर्ल 14 है, कुल संख्या 34। यहाँ पे सिर्फ कुल संख्या का पता लग रहा था, गर्ल्स बॉयज का नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अब गर्ल्स बॉयज का भी पता लग रहा है। सातवीं क्लास में बॉयज 22 हैं, गर्ल्स 18 हैं, कुल मिला के 40 स्ट्रेंथ है, जो कि यहाँ पे हमें मिसिंग था गर्ल्स बॉयज डेटा। वैसे ही एट्थ क्लास में 21 बॉयज 21 गर्ल्स टोटल स्ट्रेंथ, ये हमें दो जानकारी मिली किसमें, टू वे टेबल में डबल। समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी, त्रिगुणी सारणी की। तो त्रिगुणी सारणी में आप ये मान के चलो कि इससे एक संख्या और आगे हम बढ़ रहे हैं। एक संख्या और आगे क्या, जैसे अब मैं बता रहा हूं जीएसएस बल्देया में हमने कर दिया इकोनॉमिक स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, ठीक है, अर्थशास्त्र के बच्चों का हमारे को चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहले कर दिया 10+1, यहाँ पे हमने कर दिया 10+2, दो टेबल यहाँ पे बन गए। अब प्लस वन में हमारा बॉयज इधर को हम ले रहे हैं, गर्ल्स हम इधर को ले रहे हैं, ठीक है बेटा। इधर प्लस टू के बॉयज, इधर हमारे प्लस टू की, ये हमारी हो गई गर्ल्स, ठीक है। तो हमें एक दो, ये हमें तीसरी जानकारी क्या, अगर इसमें हम और आगे हमने जाना है बॉयज कौन से, अब हम एक और कॉलम यहाँ पे अगर बना दे बॉयज में भी कौन से, आर्ट्स के बॉयज कितने हैं और कॉमर्स के बॉयज कितने हैं, गर्ल्स में भी आर्ट्स की कितनी और कॉमर्स की कितनी, बॉयज में आर्ट्स के कितने, आर्ट्स के कितने और कॉमर्स के कितने, गर्ल्स भी आर्ट्स की कितनी और कॉमर्स की कितनी, ठीक है बेटा। अब हमारे पास टेबल क्या बन गया, ये त्रिगुणी, इसमें तीन गुण पता लग रहे हैं। एक तो क्लास कौन सी, प्लस वन प्लस टू, फिर क्लास में बॉयज कितने गर्ल्स कितनी, उस चीज का ये हो गया दूसरा गुण। तीसरा गुण कितना, बॉयज में आर्ट्स कितने कॉमर्स के, मान लेते हैं प्लस वन में आर्ट्स के दो लड़के हैं और कॉमर्स के तीन, प्लस वन गर्ल्स आर्ट्स में एक है कॉमर्स की सात है, तो कुल स्ट्रेंथ हमें समझ में आ गई हमारे पास कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, ठीक है। और उसी तरह प्लस टू में बॉयज आर्ट्स वाले चार हैं, कॉमर्स के तीन हैं, आर्ट्स की गर्ल्स दो हैं, कॉमर्स की चार हैं। तो हमें टोटल सारी स्ट्रेंथ पता लग गई कि आर्ट्स में किसी ने पता करना होगा कि प्लस वन में बॉयज कितने होंगे जो आर्ट्स पढ़ते हैं, वो दो हैं, प्लस टू में गर्ल्स कितनी जो कॉमर्स पढ़ती हैं, वो चार हैं। अर्थात अब इसमें आपको एक तो क्लास का पता लग गया पहला गुण, दूसरा गर्ल्स और बॉयज की स्ट्रेंथ मिल गई, तीसरा आर्ट्स कौन पढ़ते हैं कॉमर्स कौन पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया त्रिगुणी सारणी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा जटिल नाम से है ये, इतना जटिल है नहीं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या कि बहुगुणी सारणी कौन सी होती है। तो बहुगुणी में आप समझ रहे होंगे अब तीन से भी ज्यादा जिसकी हमें विशेषताओं का पता लग रहा है। मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं जीएसएस बल्देया के विषय में, कौन सी, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, ठीक है। इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के विषय में हमने जानना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया सबसे पहली चीज क्या, ये हमारा होगा 10+1 और यहाँ पे 10+2। पहली विशेषता हमने पता कर ली क्या कि प्लस वन कहाँ प्लस टू कहाँ। अब प्लस वन में भी हमने इसके क्या कर दिए, दूसरा गुण हम क्या पता कर रहे हैं, ये हमारे बॉयज कितने हैं और हमारी गर्ल्स कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस टू का भी क्या, प्लस टू के बॉय प्लस टू की गर्ल्स, ये हमारे हो गए अब दो गुण। अब उसके बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं कि बॉयज तो ठीक है, पर बॉयज में भी हमारे पास क्या के आर्ट्स के कितने हैं और कॉमर्स के बॉयज कितने इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसी तरह गर्ल्स भी आर्ट्स में कितनी है और हमारे कॉमर्स में कितनी है, यही टेबल जो त्रिगुणी में यहां हमने लिया था। तो यहाँ पे प्लस टू पे आ गए हम, प्लस टू में आर्ट्स के बॉयज कितने हैं और कॉमर्स के बॉयज कितने हैं, उसी तरह
प्लस टू गर्ल्स में आर्ट्स की गर्ल्स कितनी है और कॉमर्स की गर्ल्स कितनी है। ठीक है बेटा, अभी तक कितने गुण पता लगे, ये हमारे 3 गुण। ठीक है, क्लास पता लग गई, गर्ल्स बॉयज पता लग गए, आर्ट्स और कॉमर्स का पता लग गया। ये यहां तक हमने त्रिगुणी पढ़ी। बहुगुणी क्या है, जब इससे एक आगे हम जा रहे हैं, मतलब क्या कि आर्ट्स के बच्चे तो ठीक हैं, बॉयज प्लस वन के, उसमें से हिंदी मीडियम कितने हैं और इंग्लिश मीडियम कितने हैं। कॉमर्स के जो आपके पास बॉयज हैं उसमें से हिंदी मीडियम वाले कितने हैं और इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं। जो प्लस वन गर्ल्स हैं आर्ट्स की, उसमें से क्या हिंदी मीडियम कितनी, इंग्लिश मीडियम कितनी गर्ल्स। जो कॉमर्स की गर्ल्स हैं उसमें से हिंदी मीडियम कितनी और इंग्लिश मीडियम कितनी। ये जो कॉलम हम ऐसे को आगे बनाते चलेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फिर बहुगुणी होती चली जाएगी साथ। ठीक है, वही काम हम आगे प्लस टू बॉयज के साथ करेंगे। प्लस टू बॉयज आर्ट्स के तो ठीक है, लेकिन आर्ट्स में हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कितने। कॉमर्स के तो ठीक है प्लस टू बॉयज, लेकिन उसमें से हिंदी मीडियम वाले कितने हैं और इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं। प्लस टू गर्ल्स आर्ट्स वाली हैं, लेकिन उसमें से हिंदी मीडियम की कितनी है और इंग्लिश मीडियम वाली कितनी है। कॉमर्स गर्ल्स प्लस टू की ठीक है, पर उसमें से हिंदी मीडियम वाली कितनी गर्ल्स हैं और इंग्लिश मीडियम वाली कितनी गर्ल्स हैं। जब हम इस तरह के कॉलम बना देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा कौन सी सारणी होगी, अब बहुगुणी होगी। इसमें बहुत से गुण हमें पता लगे, हमने स्टैंड डाली कि ये 1 है 0 है 2 1 5 6 1 3 2 1 1 0 1 5 6 7, अर्थात इसमें सारी चीजें पता लग गई। किसी ने ये जानकारी लेनी होगी कि प्लस टू में गर्ल्स ऐसी कौन सी है जो आर्ट्स तो पढ़ती है पर इंग्लिश मीडियम पढ़ती है। मतलब समझे हो बच्चों, इस बहुगुणी सारणी में किसी ने यह जानकारी कोई चाहता है कि प्लस टू इकोनॉमिक्स में बलदया स्कूल में कितनी ऐसी गर्ल्स है आर्ट्स की जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, मुझे तुम इस सारणी में ढूंढ के बताओ। बताओ बेटा कुसुम, मुझे ढूंढ के बता बलदया स्कूल में प्लस टू की गर्ल्स ऐसी कौन सी है आर्ट्स की जो इंग्लिश मीडियम पढ़ती है, बता। सर एक इंग्लिश मीडियम पूछा मैंने बेटा, एक तो हिंदी मीडियम है। देखो प्लस टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदया, प्लस टू गर्ल्स आर्ट्स इंग्लिश मीडियम, तो ये कितनी थी, 5। मैंने पूछा था ना इंग्लिश मीडियम कितनी पढ़ती है, तो 5 गर्ल्स है। ओके, अब मुझे बताएगा राहुल, राहुल मुझे बताएगा प्लस वन के ऐसे कितने बॉयज हैं जो कॉमर्स में तो है पर वो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं। प्लस वन बॉयज और हिंदी मीडियम है वो, बलदया स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। आ रही बेटा मेरी आवाज राहुल? सर इसमें दिख ही रहा है, छोटा छोटा लिखा बिल्कुल ही दिख रहा सर यहां से। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं बेटा, ये ले, अब दिखा। प्लस वन का कॉलम ले आया हूं मैं, अब प्लस टू पे नहीं हूं, अभी भी नहीं दिख रहा। पीयूष चावला दिख रहा है तेरे को? मैंने क्या पूछा कि बलदया स्कूल में प्लस वन में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले ऐसे कितने बॉयज हैं जो कॉमर्स में हैं लेकिन वो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे हैं कॉमर्स पढ़ने वाले हैं बेटा? सर दो, दो, दो। गुड, मतलब अच्छे से पहचान लिया ना तुमने, मतलब ये वाले बच्चे के विषय में पूछ रहा था मैं, जो के हैं दो, हिंदी मीडियम में है, उमर्स के हैं और बॉयज हैं लेकिन प्लस वन क्लास के हैं, और कौन से स्कूल के, बलदया के। तो कितना सरल तरीके से अगर आप बहुगुणी सारणी को अच्छे से मैनेज करते हैं, अच्छे से बना देते हैं, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें जल्दी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर लास्ट में बोलता हूं किसको, गौरव बताएगा मुझे प्लस टू में ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम की है पर वो कॉमर्स में। गौरव मेरी आवाज आ रही है बेटा? कॉमर्स की yes. प्लस टू इकोनॉमिक्स में गर्ल्स कितनी है जो इंग्लिश मीडियम रखा हुआ जिन्होंने?
सर दो या सात सर, ये ठीक से दिख नहीं रहा इसमें। ये अच्छा ये सात है बेटा, यही बात कर रहा है ना दूसरी की? यस सर, ये सात है। ठीक है गुड, तो आपको समझ में आ गया ना, अब ये पूरा टेबल हमें समझ में आ गया। तो ये क्या है, हम जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए जानकारी उसी हिसाब से हम टेबल बनाते हैं, द्विगुणी त्रिगुणी बहुगुणी सारणी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, काइंड ऑफ टेबल समझ में आ गया आपको? आ गया ना समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो अब बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे हमारा जो टॉपिक है लास्ट में, ये इसमें छोटा चैप्टर था ये, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या रह गया? लास्ट टॉपिक हमारा है इस टेबल में क्या है, मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, अर्थात सारणीयन प्रस्तुतिकरण के क्या लाभ है। और क्योंकि बच्चों इसमें जो और चीज भी है ना वो तो हमने पहले पढ़ ली है, क्या कि वर्ग अनुसार कैसे होते हैं, संख्यात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, ये तो हमने पहले भी पढ़े हैं क्षेत्र अनुसार जब हमने वर्गीकरण का चैप्टर किया था, तो इसलिए उसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये वही एक एक लाइन वही है जो रिपीट हो रही है। ठीक है, इसलिए हम लास्ट टॉपिक पे सीधे आए हैं, मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, मतलब सारणीयन प्रस्तुतिकरण के क्या लाभ है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, पहला क्यों क्या लाभ है इसका, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, मतलब क्या कि इसके द्वारा क्या होता है, सरल प्रस्तुतिकरण होता है और संक्षिप्त होता है। ठीक है, सरल तथा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। अब मैंने ये पूरे इकोनॉमिक्स के बच्चों का पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पे रख दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है बड़े सिंपल तरीके से मिल गई, जो भी आदमी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहेगा उसको एक नजर में मिल जाएगी। तो संक्षिप्त रूप में भी प्रस्तुत हो गया ये और सरल तरीके से भी। ठीक है बेटा, तो पहला गुण तो क्या हुआ, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। दूसरा इसमें क्या है, फैसिलिटेट कंपैरिजन, अर्थात इसमें क्या होता है, ये तुलना करने में सहायक होता है, कंपैरिजन, फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन आप कर सकते हो, कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, अब मैंने करना है गर्ल्स और बॉयज का कि भाई कॉमर्स में ज्यादा गर्ल्स हैं, यहाँ देखो प्लस टू गर्ल्स में, प्लस टू में जो बच्चे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले उसमें तो ज्यादा कॉमर्स की हैं और वो गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स ज्यादा हैं और बॉयज कम हैं, ये प्लस टू का बॉयज हैं बहुत कम है लेकिन गर्ल्स ज्यादा हैं, और गर्ल्स भी कौन सी, कॉमर्स पढ़ने वाली। ठीक है, और कॉमर्स में भी क्या, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ती है। तो अगर आपने तुलना करनी है गर्ल्स बॉयज वाइज तो यहीं से तुलना हो जाएगी, प्लस टू में बॉयज कितने हैं आपके, तीन ही हुए यहाँ पे सारे, उसमें इंग्लिश मीडियम वाला कोई नहीं, दो हिंदी मीडियम के कॉमर्स के है, आर्ट्स वाला तो एक ही है और वो भी इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का कोई नहीं। तो ये कंपैरिजन है, तुलना आप सहज तरीके से कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब आपने टेबल बना रखा हो, तो टेबुलर प्रेजेंटेशन का ये दूसरा बड़ा गुण है। ठीक है बच्चों, तीसरा इजी एनालिसिस, एनालाइज करना क्या है इसको, बहुत आसान है, विश्लेषण आपने करना है, परसेंटेज निकालनी है, तुलना करनी है, प्लस वन और प्लस टू क्लास की तुलना करनी है, आर्ट्स के बच्चों की और कॉमर्स के बच्चों का मैंने कंपैरिजन करना है कि इकोनॉमिक्स में कौन से ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, तो वो एनालाइज कर सकता हूँ मैं, विश्लेषण कर सकता हूँ कि आर्ट्स वाले बच्चे पीछे रह रहे हैं या आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे आगे जा रहे हैं, या हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम अच्छा मार्क्स ले रहे हैं। ये सारा विश्लेषण इजीली हम किस में कर सकते हैं, टेबल के माध्यम से, अगर हमारे पास आंकड़े हो तो विश्लेषण करना आसान होता है। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा हमारा है हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। ये क्या करता है, आंकड़ों के विशेषताओं को स्पष्ट कर देता है, स्पष्टता आ जाती है, जो आप विशेषता उसका कैरेक्टर हाईलाइट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, उसको आप बता सकते हो कि भाई इकोनॉमिक्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है, कम स्ट्रेंथ है, प्लस वन की अपेक्षा टू में अच्छे बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम का ज्यादा क्रेज बच्चों में पड़ रहा है, गर्ल्स में ज्यादा है, बॉयज में कम है, कोई भी इस तरह का कैरेक्टर आपने विश्लेषण किसी चीज को हाईलाइट करना है तो टेबल के माध्यम से आसानी से हो सकता है। और लास्ट क्या है इसमें, इकोनॉमिकल, ये सस्ती विधि है, आपने ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक कागज लो उस पे सारणी बनाओ, स्केल आपके पास है, स्केल से इसमें दो कॉलम बनाओ, पंक्ति बनाओ और उसमें सारणी लिख के काम खत्म, ना बहुत ज्यादा तामझाम आपको चाहिए। तो ये विधि आपकी इकोनॉमिकल है, सस्ती विधि है। तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर, आज का टॉपिक। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो क्वेश्चन, नो डाउट? नो सर। यस सर। ओके बेटा, नो क्वेश्चन नो डाउट, तो अर्चास गुरुजी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।